मुजफ्फराबाद ताजर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस और मुजाहरीन में तसादुम, पथराव से डीएसपी समेत 3 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग, मुजाहरीन का ताजर रहनुमाओं को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद है। इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं इनके? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का ये वाकया है कि यहाँ पर जो ताजर रहनुमा है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी समाजी ताजर रहनुमा और इस तरह से जो वकला बराजी है, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी बनाई थी। उसके जरिए उन्होंने जो हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, उसमें सबसे पहला ही उनका ये मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली के बिलात में जो इजाफा किया गया है, फौरी तौर पर इसको ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ जो आटे का मसनूई बहरान है, इसको ख़त्म किया जाए। और ये उनके मुतालबे थे जिस पर ये 9 रोज से जो है मुजफ्फराबाद के अंदर एहतजाजी धरना जारी था। और जब 28 सितंबर को यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो मुजफ्फराबाद शहर से मुख्तलिफ इलाकों से जो बिजली के बिल जमा किए गए थे, उन बिलों को किश्तियाँ और जहाज बनाकर दरियाए नीले में फेंके गए, जिसके बाद यहाँ पर जो है इन अवामी एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ FIR हुई। और रात को उनके मुजाहरीन को जो है गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस ने जो है मुख्तलिफ इलाकों का जो है दौरा किया और वहाँ से दौरा किया। मोहम्मद इकबाल मीर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।